एमएसवन सिटी में बार बार प्रकाश में आती वैसी लड़की छेड़खानी की घटना में आखिरकार पुलिस द्वारा लड़की की सरेआम गला दबाकर बाल खींचकर मारपीट करने की घटना में युवक की गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही जारी की गई है। विवादों में और चर्चा का स्थान रहती वैसी एमएसवन सिटी में आए दिन और विद्यार्थी ने वैसी लड़कियों की छेड़खानी की घटना प्रकाश में आती है। ऐसे में कॉमर्स फैकल्टी के यूनिट बिल्डिंग के पास मौजूद वैसी विद्यार्थिनी को पीछे से आए पड़ोस में ही रहता वैसा घनश्याम सूर्यवंशी नामक युवक ने अचानक से पीछे से ढस आकर लड़की कुछ समझे उससे पहले ही उसका गला दबाया और बाल खींचकर उसकी भारी मारपीट की गई, जहां लड़की ने शोर मचाते हुए वहां पर मौजूद वैसे सिक्योरिटी गार्ड दौड़े चले आए और बाद घनश्याम वहां से भाग निकलने के बीच लड़की द्वारा इस संदर्भ में पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाई गई। पिछले 3 दिनों से घबराई हुई हालत में लड़की ने ये घटना से वो इतनी डर गई थी कि वो बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझती थी। ऐसे में युवक के परिवार तथा उसको भी परिवार को नुकसान करेगा वैसा उसे डर सता रहा था। जहां पिछले 3 दिनों पहले घटित हुई एक घटना के बाद आखिरकार लड़की ने हिम्मत जुटाने के बीच फरियाद करते हुए आखिरकार पुलिस द्वारा युवक की गिरफ्तारी की गई, जिसमें नवायड विस्तार में रहती वैसी लड़की के पड़ोस में रहता वैसा युवक घनश्याम सूर्यवंशी की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। अपराधी ने पुलिस के समक्ष लड़की की छेड़खानी और मारपीट की भी कबूलात करते हुए पुलिस ने सघन कार्यवाही जारी की है। हाँ, आप कहाँ पढ़ते हो, कौन से ईयर में पढ़ते हो और 3 दिन पहले क्या हुआ? मैं MSU यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, SY BCOM मेरा चल रहा है। मैं 3 दिन पहले मेरे साथ ना, मैं कॉलेज आई हुई थी और ना हम लोग सब बैठे हुए थे हमारे फ्रेंड सर्कल में, पानी भरने आई हूँ और यहाँ पे मेरी सोसाइटी का एक लड़का मेरे पीछे आके उसने मेरा गला पकड़ा और घनश्याम सूर्यवंशी। क्यों गला पकड़ा? पता नहीं, आया और पीछे से गला पकड़ा और मारामारी की और फिर और जैसे मेरे पास सिक्योरिटी आई ना वैसे वो भाग गया और चला गया। सिक्योरिटी नहीं होती तो क्या होता? मर जाती आज मैं, शायद मैं आप लोगों के बीच में ना होती आज। क्यों, कैसे पकड़ा था उसने? मेरे पास फोटोज भी है, एविडेंस भी है, फोटो प्रूफ। यहाँ से ऐसे गला पकड़ा, उसने बाल खींचे मेरे, मारा मुझे। तो आप 2 दिन तक क्यों नहीं आए फरियाद करने? मैं डर गई थी काफ़ी कि मैं क्या एक्शन लूँ। मैं अभी 2-3 दिन मैं ट्यूशन भी नहीं जा रही हूँ, ना ही क्लास जा रही हूँ, मेरी स्टडीज़ भी बिगड़ रही है। पर मैं काफ़ी डर चुकी हूँ कि क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे कुछ पता नहीं। आज कहाँ? आज मैं सयाजीगंज पुलिस स्टेशन आई हुई हूँ। वो बंदा पकड़ा गया है? हाँ, उसको कस्टडी में लिया तो है। अच्छा, क्या डर था आपको इतने दिन 3 दिन? कहीं मैं जाऊँगी तो फिर वो मुझे मार ना दे, कहीं मेरी फैमिली को इश्यू ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, बस वही कि कहीं मैं। कितने टाइम से वो परेशान कर रहा है? कम से कम 10 दिन से तो वो पीछे आ रहा है। 8 दिन पहले ही मैंने उसको देखा था कॉलेज में, पर उसने उस टाइम पे बातचीत कुछ की नहीं थी, तो मैंने मम्मा को भी बताया था कि ऐसे पीछे आया। तो मम्मा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब वो आया तेरे से कोई बात नहीं किया तो कोई इश्यू नहीं है। पर उसने उस दिन आके पीछे से मेरा गला भी पकड़ लिया 3 दिन का। जब आप वहाँ पे थे यूनिट बिल्डिंग के पास, तब कोई विद्यार्थी नहीं थे? कोई थे विद्यार्थी, पर अभी मैं उनको जानती नहीं हूँ कि कौन थे विद्यार्थी। थे सिक्योरिटी वाले नहीं होते तो कुछ ज़्यादा होगा। हाँ, सिक्योरिटी वाले नहीं होते ना तो शायद आज मैं नहीं होती इस टाइम।